हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों एयरपोर्ट के प्लान के लिए नेसेसरी है, मतलब एयरपोर्ट की जो प्लानिंग है वो क्यों जरूरी है रीजनल बेसिस पे। ये रीजनल प्लान भी हमने सुना, ये क्यों जरूरी है, आइए उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। बेसिकली जो रीजनल प्लानिंग प्लानिंग का जो एम है वो बेसिकली क्या है कि आप एक अच्छे इफेक्टिव नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लो नेशनल बेसिस पे, है ना। जो भी आप एयरपोर्ट बना रहे हो उस एयरपोर्ट का एक इफेक्टिव नेटवर्क का फॉर्मेशन कर सको नेशनल बेसिस पे। क्या होता है बहुत बार कि जो आपका लोकेशन, जो भी इम्प्रॉपर लोकेशन होती है एयरपोर्ट्स की, वो क्या कर देती है बहुत बार के कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देती है, या फिर जो भी आपके नेचुरल रिसोर्स है उनका वेस्टेज हो जाता है। तो अगर आप रीजनल प्लानिंग के अकॉर्डिंग एयरपोर्ट की प्लानिंग कर रहे होते हो तो उसके कुछ आपको फायदे भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फायदे की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है कि जो एफिशिएंसी है एयरपोर्ट की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कैसे? क्योंकि एयर ट्रैफिक आपने हैंडल कर लिया। अगर आप एयर ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाते तो एयरपोर्ट की एफिशिएंसी उतनी बेहतरीन नहीं हो पाती। दूसरी चीज क्या है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जोनिंग लॉज का इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जिसके कारण से जोन आपके डिसाइड हो गए। जोनिंग लॉज अगर इम्प्लीमेंट एक बार हो गए, रेगुलेट हो गए, तो अगर आपको फ्यूचर में भी कोई एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करना है तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसके बाद एक एयरपोर्ट के साथ आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है रीजनल प्लानिंग के हेल्प से। यहाँ पे कोई भी एयरपोर्ट्स क्लोजली स्पेस नहीं होते हैं, उनकी एक प्रॉपर स्पेसिंग होती है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी थी। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं रीजनल प्लान के अंदर। अच्छा, रीजनल प्लान बनाता कौन है? ये बनाता है CAO, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब ये सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करके अलग अलग कुछ चीजों के बारे में बताती है और कुछ नियम प्रस्थापित करती है। जैसे कि आपको नेशनल मैप के अंदर आपको एक अप्रोक्सीमेट लोकेशन एयरपोर्ट की शो करनी होगी। दूसरा, जो एयर स्ट्रिप्स है उनकी लोकेशन बतानी पड़ेगी, एयरपोर्ट के क्लासिफिकेशन को बताना पड़ेगा, एयर ट्रेवल के रूट्स को बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो कि CAO स्टेट के साथ कोलैबोरेट करके ये डिफाइन करता है। अगर आपको एक ऐसा एयरपोर्ट बनाना है कि जो कि रीजनल प्लानिंग को ज्यादा साइंटिफिकली साउंड करे, थोड़ा सा इफेक्टिव हो, तो उसके लिए हमें कुछ फॉलोइंग डेटा या फिर फॉलोइंग फैक्ट्स के ऊपर जाना पड़ता है और कलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले एयर ट्रैफिक, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, और उसके बाद हम बात करें तो टॉपोग्राफिकल फीचर्स। अगर हम एयर ट्रैफिक की बात करें तो आगे चल के फ्यूचर में हमारा एक्सपेक्टेड एयर ट्रैफिक वॉल्यूम कितना होएगा, पैसेंजर्स के टर्म्स में, सामान के टर्म्स में, गुड्स के टर्म्स में, जिसके हेल्प से ही तो हमें आगे डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एयर ट्रैफिक के बारे में हमें पता हो। पॉपुलेशन, जैसे कि हमें पता है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी कंजेशन होएगा, तो हमें टाइम का भी ध्यान रखना है कि हम ट्रैवल टाइम को कैसे सेव कर सकें, हम इनकम कैसे बढ़ा सकें, बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकें कम से कम टाइम पे, क्योंकि पॉपुलेशन से कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है तो वहाँ की डिस्टेंस, कौन सी पॉपुलेशन किस जगह डाइवर्ट होगी, इकोनॉमिकली कैरेक्टर उसका कैसा होएगा, और जो भी यानी तो सराउंडिंग एरियाज में है जो भी है सर्विसेज की है, जो भी स्टडी है वो हम करेंगे। उसके बाद टोपोग्राफिकल फीचर, ज्योग्राफिकल या फिर टोपोग्राफिकल फीचर वहाँ पे कैसा है और वो रीजनल प्लानिंग के बेसिस में है या नहीं है। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी जो कि हमने बात की, और इन्हीं कुछ डेटाज के या फिर फैक्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं तभी हमारा जो एयरपोर्ट है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिवली साउंड करता है, साइंटिफिकली साउंड करता है रीजनल प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो यही कुछ रीजंस थे जो कि रीजनल प्लानिंग इम्पॉर्टेंट होता है एयरपोर्ट के प्लानिंग के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।